नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। सबसे पहले आपको छठ महापर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टोला सेवक भर्ती 2023 के बारे में, जो कि 2578 पदों में भर्ती निकली हुई है। लेकिन पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत से लोग परेशान है कि सर इस भर्ती को लेकर कोई नया अपडेट दीजिए, अभी तक हमारे जिले में सूचना नहीं आया कि अब भर्ती कैंसिल कर दिया गया है। अलग अलग प्रकार के कमेंट देखने को मिला है, जहां पर सूचना अभी तक नहीं आया है जिस जिले से, वहां के लिए और भी बहुत ज्यादा परेशानी की सर अभी तक हमारे जिले में सूचना नहीं आया है कि अब भर्ती होगी या नहीं भी होगी। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 10 या 15 दिनों से कोई से भी अपडेट नहीं आ रहा है, ना ही हम वीडियो बना पा रहे हैं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्यों ये लेट किया गया है, कब तक ये भर्ती की प्रक्रिया पूरा कर ली जाएगी, और जहां पर सूचना नहीं आया वो कब तक आएगा। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को भावना में खो जाते हैं तो वीडियो को भी लाइक करना भूल जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि भर्ती के रिगार्डिंग कोई सा भी अपडेट आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाता है। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बारे में और भी डिटेल में समझने के लिए, और क्यों नहीं नोटिफिकेशन आ रहा है आजकल, यानी कोई नया अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप सभी को पता होगा, अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, www.biharhelp.in के वेबसाइट पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से लेटेस्ट जॉब में मिल जाएगा, जो कि बिहार में या कोई भी नई भर्ती आती है तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। इसी कॉलम में आपको ढूंढ लेना, अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो क्या करना, आपको सर्च बार में इस पे लिखना बिहार टोला सेवक, इस तरीके से सर्च करिएगा तो आपको यहाँ कुछ देर इंतजार कर लेना, आपको हर एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस भर्ती के रिगार्डिंग तो हमने बेसिक जानकारी आप सभी को बता ही दिया है, अब चले मेन मुद्दे की बात करते हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, कोई नया अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आपको बता दें, भर्ती जो निकली थी 2578 पदों पर निकली थी, जो कि 10वीं पास थी, और इसका सैलरी यानी बढ़ा दिया गया था, यानी 22,000 रुपया कर दिया गया था, जो कि इसका आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू किया गया था, जो कि आप सभी को पता होगा। लेकिन अभी तक बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पे सूचना ही नहीं आया है, तो इस डेट को तो कोई बोला ही नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है, जो कि इसमें तिथि वगैरह बताया गया कब से कब तक आपका हो जाना चाहिए। जो भी भर्ती की प्रक्रिया लास्ट जो चयन प्रक्रिया था 31 अक्टूबर तक हो जाना था, जो कि आप सबको पता है नवंबर महीना चल रहा है, अभी तक कोई यही अपडेट नहीं है। तो अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अब आपको कैसे चेक करना है कि कहाँ पे आपको भर्ती आई है, आप अपने जिले का चेक करना है कि आपके जिले में सूचना आया है कि नहीं आया, और क्यों लेट हो रहा है, क्या कारण बताया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे हम। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अलग अलग जिले के लिए डायरेक्ट लिंक भी दे दिया गया, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिंक दिया। चलिए अब हम आपको बता दें थोड़ा सा कि क्यों लेट हुआ है, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि जो भी इस पिछले महीने में नवरात्र चढ़ा था, तो नवरात्र के 15 तारीख से शुरू किया गया था, उस समय उस 2-4 नोटिफिकेशन आए थे बहुत से जिले के, जो कि 1 नवंबर तक की नोटिफिकेशन भी आया था, जो कि हम आपको वीडियो भी बनाकर जानकारी दिए थे, ठीक है, अलग अलग जिला का जो भी से आया था, शेखपुरा जिला का सहित हमने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था। यहाँ पे हम मोर में गए और यहाँ से क्या कहे नोटिफिकेशन में गए, नोटिस में गए, उससे रिक्वायरमेंट में गए, तो टोला सेवक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आया था, जो कि देख सकते हैं 1 नवंबर 2023 को, यानी कि टोला सेवक मेरिट लिस्ट पंचायत लोदीपी, यानी इसका जो भी मेरिट लिस्ट आया था तो आपको हम बताए थे वीडियो बनाकर। इसके बाद कोई सा भी अपडेट अभी तक नहीं आया है, एंड टोला सेवक को लेकर किसी भी जिले का हम डेली चेक कर रहे थे तो नोटिफिकेशन नहीं आया। इसका असली मकसद हम आपको 100% गारंटी ये नहीं दे रहे हैं कि यही हो सकता है, बस अनुमान ही लगा रहे हैं। अभी आप सोचिएगा कि आप सबको पता होगा कि इसी महीने में दिवाली भी है पर्व, जो कि बीत चुका है, छठ आने वाला है, जो कि कल से शुरू भी हो जाएगा छठ का पर्व, तो इसी को देखते हुए हमारे हिसाब से लग रहा है कि हो सकता है कि पर्व जैसे बीत जाए तो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए, क्योंकि बिजी होंगे जो भी अधिकारी होंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे बिजी होंगे छठ को लेकर, और इसी में जो भी टीचर का वैकेंसी है उसमें हर एक जिला में नोटिफिकेशन देना, कहाँ कहाँ पे अलॉटमेंट किया गया उसका भी इसी में चल रहा है, तो हो सकता है कि इसी को देखते हुए भर्ती को थोड़ा डिले हो रहा है, यानी समय लग रहा है। तो आपको कुछ घबराने की कोई बात नहीं, जहाँ पे अभी सूचना
सूचना नहीं आए तो आप ये न सोचिए कि सूचना आएगा ही नहीं, हो सकता है जैसे छठ बीत जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। और बहुत से जिले का अभी रोका गया है कि अभी सूचना जारी ना हो, और जैसे छठ बीत जाए पर्व वगैरह जो भी है वो बीत जाए तो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, अच्छी तरह से बहाली प्रक्रिया करा लिया जाए, ठीक है। और बहुत से ऐसे जहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दिया गया, जैसे मान लीजिए हमने आपको वीडियो बनाकर दिया था शेखपुरा का, जहाँ पे देख सकते यानी कि नोटिस में गए और यहाँ से रिक्वायरमेंट में गए, तो एक यानी नवंबर को यहाँ देख 1 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो यहाँ पे अभी तक हो गया है यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो जारी कर दिया गया। अब इसका फाइनल बहुत से ऐसे जिला है जैसे मुजफ्फरपुर भी जिला है जहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है, तो हो सकता है कि दिसंबर महीने तक आने की भर्ती की प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए, ठीक है। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, जहां पे अभी सूचना नहीं आया तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बारी बारी से अपने जिला का यहाँ बता दिया गया है कि जैसे सुपौल का है तो सुपौल के एनआईसी पोर्टल पर चले आएंगे जो भी आपके जिले है, और यहाँ पे आकर आप अपने नोटिस के ऑप्शन जाएंगे और रिक्वायरमेंट के ऑप्शन जाएंगे और चेक करते रहेंगे कि आपके जिले में टोला सेवक को लेकर कोई अपडेट आया है या नहीं आया। हालांकि हम तो डेली चेक करते हैं, जैसे कुछ नया अपडेट आ जाएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी तो दे ही देंगे, लेकिन आप खुद से भी चेक करिएगा और अलग अलग प्रकार से जैसे यहाँ से चेक कर लिए रिक्वायरमेंट में गए और नीचे की ओर भी जाइएगा और नीचे की ओर भी चेक कर लीजिएगा कि आया है कि नहीं आया है। आया होगा तो आपको ऊपर में ही मिल जाएगा, नहीं तो डिपार्टमेंट के ऑप्शन जाएंगे, एजुकेशन में ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर भी तो अलग अलग बहुत से जिले हैं जहाँ पे एजुकेशन में भी दिखलाई देगा, जैसे हम आपको गोपालगंज जिले का भी चेक करके बतलाए थे जहाँ पे अलग तरीके से चेक हो रहा था, तो इसी तरीके से आप भी चेक कर लीजिएगा और घबराने की कोई बात नहीं है, यानी कि भर्ती होगी दिसंबर महीने के आखिरी तारीख तक हो ही जाएगी, इसमें बोला गया है यानी कि जो भी दिसंबर महीने के जो भी भर्ती के प्रक्रिया इसे कर लिया जाएगा, तो आपको ये मन में किसी प्रकार का धैर्य नहीं रखना है कि भर्ती कैंसिल हो गई है हमारे जिले में नहीं आए तो नहीं आएगी, ऐसा बात कुछ नहीं है। और भी डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ से इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, सारा जानकारी समझ सकते हैं, ऑलरेडी हमने बहुत सारा वीडियो भी बनाया है, आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, हमने वहाँ पर हर एक जानकारी बताया कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पे फॉर्म मिलेगा, कैसे आपको चेक करना है, तो आप यहाँ से अलग अलग जिला वाइज दे दिया गया है लिंक, डायरेक्ट लिंक आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, और यहाँ पे बतला भी दिया गया है कि कहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे जमुई की बात कर रहे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो जमुई के नोटिफिकेशन अभी तक शायद नहीं आया, तो रिक्वायरमेंट पे गए और चेक करिए तो अभी तक टोला सेवक को लेकर कोई अपडेट नहीं है, और इसी में आने के आप सबको जानते हैं कि टीचर को लेकर भी कुछ नोटिफिकेशन इसमें जारी किया जा रहा है अलग अलग जिले को लेकर, तो इसमें भी हो सकता है डिले हो जाए। लखीसराय का भी हमने चेक किया तो यहाँ देख सकते नोटिस में गए रिक्वायरमेंट पे गए, और यहाँ पे चेक करते जो भी पुराना वाला नोटिफिकेशन 9/9/23 को जारी किया गया तो वो नोटिफिकेशन दिखलाई दे रही है यहाँ पे लखीसराय का, देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भर्ती आई थी सीट एलोमेट किया गया था कहाँ कहाँ पे भर्ती कराना है, तो यहाँ पे भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, बहुत दिनों से अब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब आपको वीडियो में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, समझने में किसी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट जरूर करिएगा और अपने अपने जिले का भी चेक करते रहिएगा, हो सकता है कि कई 2 या 3 दिन में हमारे हिसाब से अब लग रहा है छठ के बाद ही अब कोई सा भी नया नोटिफिकेशन आएगा, अब जैसे आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे, ठीक है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके, कोई सा भी नया अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे ही देंगे, नहीं तो आपको इस वेबसाइट पर आपको विजिट करते रहना है, आपको यहाँ से अपडेट देखने को मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि हमारा अपडेट आपको हर समय मिलता रहे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे हर अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में हम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।